त्याला दे ना, मागून बघ कशी फील्ड आली, मागे बघ मागे बघ. अरे बाप रे, जय श्री राम. वेलकम टू माय व्लॉग गाइस. आज हम लोग सीधे लोकेशन थोड़ा बाहर हूँ जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप सॉर्ट ऑफ. मामा जी मतलब तो ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मामा. हाय गाइस, हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे. अन्ना इडली. क्या है मामा, ऐसा क्या पहला क्या बोलते? मली की इडली. देखते कैसे इडली दाखो. ये पहली बार मली की इडली. सी हाउ इट लुक्स लाइक वेरी ऑड साइज ऑफ इडली. इस पर अभी घी डला है, केसर डला है जरा सा. सी हाउ इट बघा हिला सांगा आता, ही म्हणते काहीतरी काहीतरी आहे का नाही भारी सांग मला. एक इडली लो मालिक. आता बाहेर आली मला काय म्हणलीस तू, कुठे आहेस तू, कुठे तुझ्या मागं मी येते मागं येते मागं ते तोंडातली बडी शेप कुठे तुझ्या मला होती येते मी कुठे होतो मी म्हणतो दिसो नको म्हणून. मी चालत चालत 5 मिनिटं पुढे आलो तेव्हा जाऊन तू दिसली आहे मला. मामा तिकडे गेला फिरत फिरत शतपावली करतोय तो. बोलो नाही त्यांना. आम्ही बोलवायला गेलेलो इनी मला अर्ध्यातून मागं बोलवलं. आता मी कसं काय बोलू, आता मम्मी जाईल. जा पळत पळत जा तिकडं. जा पळ पळ पळत जा आता मामाला बोलव. हे झाडे चाललो. एक मिनिट मी म्हणा चल पेरू मागे येऊ द्या. पेरू पाहिजे अर्धा किलो मध्ये दोनच आले. एकच फाग असेल बघ. एक मिनिट थोडस एक साईडलाच ठेव गाडी. जय महाकाल दोस्तों. गेस करो कहाँ हूँ. यू जस्ट कैंट इमेजिन. मैं अभी हूँ ओंकारेश्वर और हम आए मेरा जीवन का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने. इसके बाद हम लोग जाएंगे पुणे 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 पहले ममलेश्वर का आज दर्शन करेंगे, फिर उज्जैन महाकाल. दो दिनों में दो ज्योतिर्लिंग पूरे करूंगा और अगर नसीब अच्छा रहा या फिर यू कह लो अगर महादेव का पुलाव रहा तो शायद 3 ज्योतिर्लिंग भी हो सकते हैं मेरे. देखते हैं अब कितना क्या क्या घूम पा रहे. अभी हम लोग जा रहे हैं पहले ममलेश्वर फिर ओंकारेश्वर. ये व्लॉग स्पेशल ओंकारेश्वर का होगा मोस्ट प्रोबेबली. यहाँ की मैक्सिमम चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा और एक और देवी माँ के दर्शन के लिए भी आया हूँ. देखते हैं आगे हो ही ना एंड तक बने रहो, बहुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ. जाने के लिए 2 रास्ते हैं. सामने ये दिख रहा है, ये है ममलेश्वर मंदिर. यहाँ पे आप इस पुल से भी जा सकते हो और नीचे इस घाट से भी जा सकते हो. तो गणपति बप्पा मोरिया. चलो नर्मदा घाट है माजा माजा. ये नर्मदा घाट है मेरे पीछे. अभी हम लोग यहाँ पे ज़रा स्नान करेंगे, फिर सामने जो मंदिर है वो है ओंकारेश्वर, वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर ओंकारेश्वर हमारा पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हो जाएगा. चलो यार.
घाट देख लो, शंखनाद हो रहा है सुबह सुबह। और ये हम तट पर आ गए। पंडित जी हमारे साथ जो डायरेक्टली हमारा दर्शन करा देंगे। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल। पार्वती पते हर 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 महादेव। ये चौथा नंबर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव। मेरा नाम है जगदीश शर्मा। मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ। ये पूरा पर्वत विंध्याचल बोला जाता है, विंध्याचल 11 किलोमीटर का पूरा गोल परिक्रमा लगता है इसका, 11 किलोमीटर। इसमें ये ओंकारेश्वर नर्मदा जी से अपने आप निकले। ये स्वयंभू है ओंकारेश्वर। उधर में एक मंदिर और है, ममलेश्वर बोला जाता है। वो अहिल्या माता जी होलकर स्टेट इंदौर उनकी तरफ से स्थापित है। अच्छा। और ये स्वयं भी है ओंकारेश्वर महादेव। अच्छा, यही ऐसा पूरा डिटेल है। धन्यवाद बाबा। ईश्वर मंदिर, नर्मदा घाट और सामने है ममलेश्वर मंदिर। इतना मतलब ये जगह इतनी सुकून देती है भाई। कभी आओ, 12 ज्योतिर्लिंग है। एक का भी अगर एक भी तुमने कर लिया ना, दिल को सुकून आता है। एक अलग एनर्जीज फील होती है इस मंदिर में, बहुत सुकूनदायक है। कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, मतलब मेरी एज के जितने लोग हैं, बच्चे हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, ये मंदिर वगैरह, विश्वास, डिवोशन, सब चीज़ें बुढ़ापे में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। भाई यार, अगर तब तक हड्डियों में जान ही ना बची तो शायद जिंदा ही ना बचो। तो जब तक वो कर लो, यही तो उम्र है, मज़ा आता है। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। बस एक बार आ जाओ, सुकून आता है दिल को। हर हर महाकाल, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये है ममलेश्वर मंदिर। बाबा जी ने जैसे बताया था, ये बाद में बनाया गया है।
और ओंकारेश्वर स्वयंभू खुद धरती से प्रकट हुआ था। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ के दर्शन करने। चलो आपको दिखाता हूँ, चलते हैं आगे। ये देखो पूरे हैंड कार्व। ये कार्विंग्स देखो, इंडियन आर्किटेक्चर मतलब बहुत बढ़िया था। ये स्कल्पचर्स, इनकी कार्विंग्स, पूरा हैंडमेड सब चीज़। ये गावारा देखो कितना पुराना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का एक और नाम है पशुपतिनाथ। देखो इन बंदरों को, इट्स सो प्लीजिंग। हे अरे त्याला काय खायला भेटलं नाही तर तसं खातो तो। बघ तिथे किती अख्खा पुडा घातलाय तोंडात, पाहिला का तो? मागे हो मम्मी, नाही तर ओढून जाईल। फोन घेऊन जात तिकडचे लोक, डाकू असे तिकडे। चला काय पाहिजे तुला, काय पाहिजे तुला? त्याला दे ना जरा, त्याला दे ना, त्याला दे ना। अरे बाप रे, खतरनाक। ए खतम। अरे झाडावरून इकडून तिकडून सगळीकडून उतरायला लागलेत बाबा। चल होप आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इतना आई नो कंसिस्टेंसी नहीं है, आएगी धीरे धीरे आएगी, आई एम ट्राइंग। अब अगर अच्छा लगा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।